हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम बिजनेस अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं। हाँ गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं हमेशा के लिए, तो इस वीडियो को पूरा इन तक के जरूर देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये एप्लीकेशन है। चलिए मैं पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ये रहा इसका इंटरफेस। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे कोने प्रोफाइल का एक आइकन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा नीचे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको मार्क दिखल लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्चेंट सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा बिजनेस प्रोफाइल, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा डीएक्टिवेट माई अकाउंट। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है डीएक्टिवेट माई अकाउंट, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट है, और नीचे यहाँ प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ प्रोसेस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करने का बोल रहा है, आप किस वजह से अपना पेटीएम बिजनेस अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, तो आपको जो रीजन है आप यहाँ को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कोई एक सबसे नीचे वाला मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस रीजन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ डीएक्टिवेट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं यहाँ पे आ गया अनेबल टू डीएक्टिवेट अकाउंट, आपको ओके का ऑप्शन दिया है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो अकाउंट है 2 दिन का टाइम लगेगा। आपको जो अकाउंट है आपको 2 दिन बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको 2 दिन इसको कुछ नहीं करना है। आपका जो अकाउंट है 2 दिन बाद हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, इस तरह से आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।